हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो वेलकम टू वन अकेडमी जे। यहाँ पर हम अमीन्स का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। यहाँ पर हम काफी सारे टेस्ट की बात करेंगे, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन इसकी बात करेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिलेटेड टू अमीन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पर बच्चों आपको पता ही है, दिस अबाउट मी एंड ये आपकी कंप्लीट अन अकेडमी जे टीम है। हमारे सारे लेक्चर्स आप liveDaily.me/je इसके ऊपर जाके देख सकते हैं। एंड उसी के साथ बच्चों आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको अपना 100% टाइट लाने के लिए जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो सभी प्रोवाइड की जाती है। लाइव लेक्चर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो सभी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे। 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेके यहाँ पर बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं, 100% तक लेके आए हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है। इसमें जो है पूरा पूरा कोर्स आपका कवर हो जाता है। एंड यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव व्हाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इससे आपको जो है सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलता है। एंड मुझे भी खुशी होती है कि ये सारे लेक्चर्स जो आपने देखे हैं वो आपको पसंद आए हैं, वो आपको हेल्पफुल रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज लेक्चर। बच्चों यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन से, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है उनको याद होगा हमने एक बच्चों हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी थी, और हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन के अंदर हमने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनवाए थे। मैंने यहां पर जो है आपको बोला था कि हम यहां पर इससे रिलेटेड एक एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन ऑफ क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिलेटेड टू अमीन्स, अमीन्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, सो यहां पर अगर हम डिस्कस करते हैं ये रिएक्शन क्या है। ये रिएक्शन ये है कि सपोज हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, नाइट्रोजन का क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास ये वाला कार्बन से कनेक्टेड नाइट्रोजन है, यहां पर ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है, और हमारे पास यहां पर R1, R2, R3 कोई और ग्रुप्स यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू, E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू हमें यहां पर एक एल्कीन जो है वो मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, E2 मैकेनिज्म के थ्रू एक एल्कीन हमें यहां पर मिलती है। एंड अलोंग विद दैट आपका जो ओरिजिनल अमीन है, ठीक है, वो हमें यहां पर वापस मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पे जो आपके पास लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन जो है वो यहां पर एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। ये लिविंग ग्रुप आपका इस कार्बन से हटता है, यहां पर ये वाला जो इसके पास वाला कार्बन है उसे हाइड्रोजन हटता है, एंड इससे आपके पास इस तरह की एल्कीन जो है प्रोड्यूस होती है। E2 एलिमिनेशन यहां पर देखने का क्या मतलब है, E2 एलिमिनेशन का मतलब है कि यार ये जो OH- है हमारे पास, ठीक है, वो यहां पर अटैक करेगा, ये वाले बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मूव करेंगे और ये लिविंग ग्रुप अपना साइमल्टेनियसली हट जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली अपने यहां पर लिविंग ग्रुप जो है वो हट जाएगा। तो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है, E2 एलिमिनेशन एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, वहां पर साइमल्टेनियसली आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहता है और इस तरीके से आपके पास एक एल्कीन प्रोड्यूस होती है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए यह है बच्चों कि भाई जो प्रोडक्ट बनता है वो यहां पर हॉफमैन एल्कीन बनता है। ठीक है, हॉफमैन एल्कीन, इसका मतलब कि भाई यहां पर जो आपके पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पॉसिबल है वो आपके पास यहां पर बनेगी। ठीक है, यस, क्या बनेगा आपके पास बच्चों, यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास बनेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन पे सपोज यहां अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप का तो एलिमिनेशन आपको पता है नहीं हो सकता, यहां तो कोई डबल बॉन्ड बन नहीं सकता। सपोज हमारे पास एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारे पास यहां पर ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्वार्टरनरी अमोनियम पे सपोज हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, जब यहां पर अपने पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में,
स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जब हमारे पास यहां पर रिएक्शन होगी। तो ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहां पर बनना चाहिए, हॉफमैन प्रोडक्ट बनना चाहिए। एज द नेम सजेस्ट, ये जो आपके पास रिएक्शन है हॉफमैन रिएक्शन है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए एल्कीन वाला हॉफमैन प्रोडक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट जो हॉफमैन एल्कीन हम बोलते हैं वो इसी रिएक्शन के नाम पे बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन और सेजेफ एल्कीन, ये हमारे दो प्रोडक्ट हो सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में। अगर हम बात करते हैं बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट हो सकते हैं। सपोज हमारे यहां पर, ठीक है, यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो हमारे दो प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, एक ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें मिल सकता है अगर पॉसिबल है तो, और एक हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें मिल सकता है अगर पॉसिबल है तो। अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलता है और एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, इनमें हम बोलते हैं ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम क्या होंगे, ये हमारा कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा कहलाएगा हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये कहलाएगा सेजेफ प्रोडक्ट या जेडसेफ प्रोडक्ट, जैसा भी आप नाम बोलना चाहो, ठीक है, यस। सो अगर हमारे पास यहां पर हॉफमैन एल्कीन हो रही है, ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो अपने पास जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो हॉफमैन एल्कीन हमें मिलेगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें कहां मिल सकती है, ठीक है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें कहां पर मिल सकती है, ये मिल सकती है यहां पर। अगर ये वाला बेस जो है कहां पर अटैक करे, ये बेस आपका यहां पर अटैक करे और ये यहां पर आ जाए और ये ग्रुप आपका निकल जाए, तो आप देख सकते हो यहां पर आपकी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको मिलेगी। अगर आप इससे बनाओगे तो प्रोपीन मिलेगा, इससे बनाओगे तो ब्यूटीन मिलेगा, इससे बनाओगे तो आपके पास क्या मिल रहा है, यहां पर इथीन मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इथीन आपके पास लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पर हो सकता है, वो आपको यहां पर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी आपके पास एज इट इज जो ग्रुप्स हैं वो लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है हॉफमैन एल्कीन बनना है, एज द नेम सजेस्ट, आपको यहां पर समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो यार, यहां पर होता क्या है, ये रिएक्शन हमें जो प्रोडक्ट है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों देती है, इसका हमें रीजन भी समझ में आना चाहिए। इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनो, जब हम बात करते हैं बच्चों E2 एलिमिनेशन की, ठीक है, जब हम बात करते हैं यहां पर E2 एलिमिनेशन की, तो आपको पता होगा क्या E2 एलिमिनेशन में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है, एंटी कॉन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप जिस साइड भी है, हाइड्रोजन इसके ऑपोजिट साइड होगा, इस कार्बन के बाकी ग्रुप्स ऐसे नीचे की साइड होंगे और इस कार्बन पे जो ग्रुप्स हैं वो ऊपर की साइड लगे होंगे। अब यहां पर दिक्कत क्या है, यार ये जो लिविंग ग्रुप है अपने पास, ठीक है, वो बहुत बल्कि है, इजंट इट। अगर हम बात करें यहां पर एन आर वन आर टू आर थ्री कार्बन चेन लगा हुआ अपने पास नाइट्रोजन यहां पर, तो आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों, एक काफी बल्कि लिविंग ग्रुप है। तो यार ये जो बल्कि लिविंग ग्रुप होता है ना, ये अपने पास इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं, इस कार्बन के जो ग्रुप्स हैं उससे मिनिमम इंटरैक्शन करे। मिनिमम इंटरैक्शन का मतलब मिनिमम आपका स्ट्रेन वहां पर डेवलप हो, मिनिमम आपके पास वहां पर टॉर्शनल स्ट्रेन डेवलप हो। तो इसकी वजह से यहां पर ये जो ग्रुप्स हैं जितने छोटे हो सकते हैं उतने प्रेफर्ड है, है ना जी। यहां पर जितने छोटे आपके पास हो सकते हैं उतने ग्रुप्स प्रेफर्ड हैं, क्योंकि अपना लीविंग ग्रुप बहुत बड़ा है। जो लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि यार ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये छोटे ग्रुप्स होने चाहिए, ये अपने क्या होने चाहिए, स्मॉल ग्रुप्स होने चाहिए, ताकि हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आराम से बन जाए। ट्रांजिशन स्टेट बनना यहां पर अपने पास जरूरी होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट अगर अपने पास सही से नहीं बन पा रही तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए अपन चाहते हैं कि यार ये ग्रुप सबसे छोटे पॉसिबल हो, तो इसलिए लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपकी बनती है, ताकि आपके ये ग्रुप्स जनरली क्या रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं।
है ना, यहाँ पर ये ग्रुप जनरली आपके हाइड्रोजन रहे तो वो प्रेफर्ड है, और इसकी वजह से जब यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आएगा तो वो इस कार्बन और जो यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके बीच में आएगा, एंड दैट्स व्हाई अपने पास जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, हॉफमैन एल्कीन अपने पास क्रिएट होगी। ठीक है, सो हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म्स बिकॉज रिएक्शन पॉल इज E2 मैकेनिज्म, सो द H है ना एंड द बल्की लीविंग ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू अटेन एंटी कॉन्फॉर्मेशन। ये अपने पास कॉन्फॉर्मेशन जिसमें ये अपने छोटे ग्रुप प्रेफर्ड है। ठीक है जी, अपना ये फंडा भी यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, यहां पर जैसे ये बात करी जाए कि जनरली बेस कौन सा यूज किया जाता है, तो आप देखोगे बच्चों यहां पर जो बेस लिया रहता है जनरली क्या रहता है, AgOH लिखा रहता है। ठीक है, यहां पर जो बेस है वो जनरली क्या लिखा रहता है, AgOH लिखा रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी समझ लेते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज जो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास होता है, तो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर बच्चों जो एनायन होते हैं हमारे पास, वो एनायन जनरली क्या रहते हैं, वो एनायन हमारे पास हैलाइड आयंस रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं हमारे पास, हैलाइड आयंस जो है वो रहते हैं, और उन हैलाइड आयंस को ये Ag प्लस आराम से निकाल देता है ताकि OH माइनस का रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, बहुत आसानी से OH माइनस वहां पर अटैक कर पाए, इसकी वजह से हम जनरली AgOH यहां पर यूज करते हैं, और AgOH के थ्रू ये रिएक्शन आप देखोगे जनरली लिखी रहती है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये वाला है, इसके अंदर बच्चों आपके पास क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए अगर आपके सामने इस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट पे AgOH हीट लिखा रहता है, तो हमें क्या करना है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें बनवानी है। लीस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन हमारे पास कौन सी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी CnCCC+C डबल बॉन्ड्स। ठीक है, ये अपने पास मेजर प्रोडक्ट यहां पर बनना चाहिए। है ना, चल और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ए बी सी डी ऑप्शन बच्चों आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए इनमें आपके पास मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ए की बात करें तो वो अपने पास प्रोटीन है, बी की बात करें तो इथीन है, सी की बात करें तो अपने पास यहां पर जो है ये हाइड्रोक्साइल अमीन बन गया है, और डी की बात करें तो अपने पास एल्कोहल बन गया है। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट हियर, ठीक है, सो यू कैन सी कि यहां पर क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, या तो इथीन बन सकता है या आपका प्रोपीन बन सकता है, एंड ऑब्वियसली इथीन लेस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ये आपका यहां पर प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो, और यहां पर अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर देखो यहां पर आपको दिया हुआ है एक अमीन है और उस पर CH3I एक्सिस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है वो अपने पास हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, जो हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। अगर आप किसी अमीन के ऊपर एक्सिस में एल्काइल हैलाइड डाल देते हैं तो वहां पर क्या होता है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट अपने पास प्रिपेयर होता है। ये अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। इसका मतलब यहां पर जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का जो हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास बच्चों इस तरीके का CH3 नाइट्रोजन पे चार ग्रुप्स लगे होने चाहिए एल्काइल के, तो आपके पास वो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाएगा, और एनायन के फॉर्म में अपने पास यहां पर आयोडाइड आ जाएगा। है ना, एज यू कैन अंडरस्टैंड यहां पर जो I माइनस निकलेगा वो यहां पर किसी तरह आ जाएगा, एनायन की तरह आ जाएगा। नाउ अब आपको यहां पर क्या कराना है, सेकेंड स्टेप में AgOH के साथ इसको हीट करना है। ठीक है, तो हमें यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनवानी है। अब ये वाला केस बहुत ध्यान से देख लो, जब ऐसा साइक्लिक नेचर होता है अमीन्स का तो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो उसके लिए मैंने बच्चों एक बहुत बढ़िया ट्रिक आपको बता रखी है कि आप नंबरिंग कर लीजिए।
कार्बन की नंबरिंग करके साइक्लिक कंपाउंड्स में प्रोडक्ट बनाना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं यहां पर तुम्हें नंबरिंग दिखाऊं तो देखो ध्यान से, यहां पर जब हॉफमैन एलिमिनेशन होगा तो ये मिथाइल ग्रुप के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, यहां पर जो नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन लगा है और ये कार्बन लगा है उसी के पास से एलिमिनेशन हो सकता है। मिथाइल पे तो एल्कीन बन नहीं सकता, इन्हीं ग्रुप से मिल सकता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन पे ये वाला कार्बन लगा हुआ है, सपोज मैं इसको फर्स्ट कार्बन बोल देता हूं, ये वाला कार्बन लगा हुआ है सेकंड कार्बन बोल देता हूं, यहां पर थर्ड कार्बन, यहां पर फोर्थ कार्बन एंड यहां पर फिफ्थ कार्बन। अगर यहां पर अपना नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड तोड़ता है तो या तो फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा या फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, एंड ये जो अपने पास कार्बन हैं इनके पास वाले कार्बन पे ऑब्जर्व करो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है। और एक कार्बन मैं यहां पर भी बनाता हूं, एक कार्बन हम यहां पर बनाते हैं, ये आपका सपोज यहां पर वन डैश कार्बन है और इस पे भी मेरे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहां पर बच्चों कौन कौन से कार्बन जो है वो मार्क करे हैं ताकि हम यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। एक तो हमने यहां पर नंबरिंग करी, फर्स्ट या फिफ्थ कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है, और फर्स्ट या फिफ्थ कार्बन के पास पे अगर हम देखें, है ना, इसके पास अगर हम देखें तो अपने पास एक वन डैश कार्बन भी लगा हुआ है, टू कार्बन भी लगा हुआ है, फिफ्थ वाले के पास फोर्थ कार्बन लगा हुआ है। हमें यहां पर बनानी है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है जी, अपने को बनानी है यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो अपने को यहां पर सोचना है कि अब क्या पॉसिबल यहां पर आंसर हो सकता है। आपका जो हाइड्रोजन हटना है, आपका जो यहां पर हाइड्रोजन हटना है वो कहां से हटेगा, क्योंकि जहां पर आपका हाइड्रोजन हटेगा, है ना, जहां से आपका हाइड्रोजन हटेगा उससे लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अपनी बननी चाहिए। तो अगर हम यहां पर बॉन्ड तोड़ते हैं बच्चों, ठीक है, अपन यहां पर सपोज प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट अपने पास क्या हो सकते हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट अपने पास ये हो सकते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है और नाइट्रोजन है इनके बीच का बॉन्ड तोड़ा जाए, और अगर हम इनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो कार्बन के पास लगा हुआ वन डैश कार्बन या सेकेंड कार्बन इससे एल्कीन बनवाएंगे। अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन का ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं और C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ध्यान से देखो, C1 और C2 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर हम C1 और C2 के बीच में डबल बॉन्ड बनवाते हैं तो अपने पास कुछ ऐसा फाइनल प्रोडक्ट दिखना चाहिए, बिकॉज C2 पे जो हाइड्रोजन लगा है वो हमने यहां पर निकलवाया है। बट अगर हम यही चीज ऐसे करें कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको निकालें तो देखो क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड C बनेगा, ये C C C C एंड N C एंड C, ठीक है, ये अपने पास यहां पर आया। फिर नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन ये है कि आपके पास जो नाइट्रोजन और फिफ्थ कार्बन है इनका बॉन्ड तोड़ दिया जाए। अगर इनका बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर ध्यान से देखो अपने पास जो एल्कीन बनेगी वो 5 और 4 के बीच में बननी चाहिए। इसका मतलब जो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा आएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कुछ ऐसा आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, तीन प्रोडक्ट हमने यहां पर बना दिए बेस्ड ऑन कि यार यहां पर अपने पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं एलिमिनेशन के लिए, उसके बेसिस पे आप ध्यान से देखो तीन प्रोडक्ट बच्चों हमने यहां पर बनाए हैं, ए बी और सी इसको हम बोल सकते हैं। अब आपको बताना है कि यार इनमें से मेजर प्रोडक्ट हम किसको बोलेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो कि इनमें से हम मेजर प्रोडक्ट बच्चों किसको बोलें ताकि हमें यहां पर जो एल्कीन मिल रही है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मिले, और साथ में हमें यह भी दिमाग लगाना है कि भाई जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट में मिनिमम स्टेरिक रिपल्शन एंड टॉर्शनल रिपल्शन होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो अपने पास यहां पर लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बननी चाहिए, और जो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट आ रही है उस ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास क्या होना चाहिए, उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होना चाहिए, उसमें मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन हमारे पास होना चाहिए। इसके बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रेफर्ड है। ठीक है,
तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि जो अपने पास ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, उसमें यह प्रेफर्ड है क्या, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उस पे जो दूसरे ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सबसे छोटे ग्रुप्स होने चाहिए। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन पे प्रेफर्ड है सबसे छोटे ग्रुप्स लगे होने चाहिए। यहां पर अगर बात करी जाए, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, क्या यहां पर ये वन डैश कार्बन पे सबसे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं या टू पे सबसे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं या फिर आपके पास फोर पे सबसे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो बच्चों अपने पास यहां पर बी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए, बिकॉज ये जो वन डैश वाला अपने पास कार्बन है, इस वन डैश वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सबसे छोटे ग्रुप्स हैं अमंग ऑल दीज थ्री कार्बन्स। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हो कि जो हमारे पास यहां पर वन डैश कार्बन है इस पे जो बाकी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं, इस पे जो बाकी ग्रुप्स लगे हुए हैं वो भी हाइड्रोजन ही हैं, पर ये वाला जो कार्बन है इस पे दो हाइड्रोजन है और एक सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन है और एक सी डबल बॉन्ड एक सी सिंगल बॉन्ड सी लगा हुआ है। ठीक है, अपने पास क्या क्या लगे हुए हैं ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास इस वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है एक सी सी है, इस वाले कार्बन पे दो सी एच है एक सी सी है, जबकि इस वाले कार्बन पे तीन सी एच थ्री, एंड दैट्स व्हाई जो अपने पास सबसे छोटे ग्रुप्स अपने को निकल के आ रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटे ग्रुप्स अपने पास निकल के आ रहे हैं वो कहां पर निकल के आ रहे हैं, इस वन डैश कार्बन पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, उस वन डैश कार्बन पे अपने पास निकल के आ रहे हैं, दैट्स व्हाई अपने पास बी वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट यहां पर होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक रीजनिंग मैंने समझा दी है यहां पर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहां पर सी बोल रहे थे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहां पर सी बोल रहे थे, रीजनिंग समझो, रीजनिंग क्या है कि जो अपने पास ये वाला कार्बन है इस पे सबसे छोटे ग्रुप्स लगे होने चाहिए। अगर आप सबसे छोटे ग्रुप देखोगे तो क्या यहां पर सबसे छोटा ग्रुप है भाई, यहां पर एक तो हाइड्रोजन है, दो तो हाइड्रोजन है, फिर यहां पर एक सीसी भी तो है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर दो हाइड्रोजन है और एक सीसी है ना, ये सीसी ग्रीन वाला, जबकि इस वाले पे सिर्फ सी एस थ्री है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आपके पास सबसे मेजर प्रोडक्ट ये बीच वाला बनना चाहिए। तो यहां पर जो है अपने को ध्यान रखना है, जब इस तरीके से बच्चों साइक्लिक कंपाउंड्स अपने को दे दिए जाएं, साइक्लिक कंपाउंड में अपने को यहां पर समझ में आना चाहिए क्या बनना चाहिए। ठीक है, और अब यहां पर मैं आपको इसी से है ना इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं, जो कि अपने पास हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर बनता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये पर्टिकुलर केस आपको समझ में आना चाहिए। ये पर्टिकुलर केस जो है बच्चों इसके बारे में है कि सपोज अपने पास ऐसी अमीन है, ठीक है, इस पे अपन ने क्या करा, इस पे अपन ने एक्सेस अमाउंट ऑफ सी एस थ्री आई डाला, तो इससे क्या होगा, इससे अपने पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला, अब इसका हमने क्या करा दिया, हमने इसका हॉफमैन एलिमिनेशन करा दिया। हॉफमैन एलिमिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहां पर अपने पास एल्कीन बन जानी चाहिए। अब अगर अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ये वाला कार्बन है इससे अपने पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन है इससे अपने पास नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इन दोनों कार्बन पे अगर हम देखें, ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक कार्बन है। तो यहां पर आप ऊपर भी एल्कीन बनवा सकते हो, नीचे भी एल्कीन बनवा सकते हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक ही टाइप की ट्रांजिशन स्टेट अपने पास रहेगी। यहां पर जब अपने पास एल्कीन बनेगा तो क्या बनेगा, या तो ऊपर से या नीचे से कोई भी साइड से बना दो, आपका यहां पर जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में करके क्या देते हैं, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड में एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको ये स्टेप लिख के देंगे, फिर प्रोडक्ट बनवा देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि यार ये जो आपके पास बना इस पे आप जो स्टेप्स आपने यहां पर करे थे वो रिपीट कर दो। ठीक है, ये जो अपने पास है इस पे आप स्टेप्स रिपीट कर दो। स्टेप्स रिपीट करने का क्या मतलब है कि यहां पर आप वापस से एक्सेस अमाउंट ऑफ सी एस थ्री आई डाल दो। ठीक है, जब वापस से हम सी एस थ्री आई एक्सेस डालेंगे तो क्या होगा, वापस से आपके क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन सकता है। ठीक है, यहां पर वापस से क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा, ये जो नाइट्रोजन है उस पे वापस से आपके पास कार्बन आके लग जाएगा। ठीक है,
वापस से अपन AGOH यहां पर डालेंगे, वापस अपन AGOH यहां पर डालेंगे, हिट करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहां पर आपके पास ये चीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, NCCC। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और जो स्टेप्स हैं उनको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट करने पर नाइट्रोजन और उस कार्बन चेन के, साइक्लिक कार्बन चेन के जितने बॉन्ड हैं वो आपके पास टूट जाएंगे, ठीक है, जितने बॉन्ड है आपके पास वो सारे टूट जाएंगे। अच्छा यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी आती है, ठीक है, कि बच्चों ये हमारे पास एक एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये कंपाउंड बनाया गया था, ठीक है, और इस कंपाउंड के बेसिस पे आपसे पूछा गया था कि अगर इसको हीट करते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या इसको हीट करके कुछ हो सकता है। तो अपने पास हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो अपने पास इस तरीके से एल्कीन होती है बच्चों, यहां पर क्या है, 1, 2, 3, 4 1.4 एल्कीन अगर हमारे पास है, ठीक है, 1.4 एल्कीन अगर हमारे पास है, इसको हीट करते हैं तो इसमें आइसोमराइजेशन हो सकता है। कैसे आइसोमराइजेशन हो सकता है, इसमें आपका आइसोमराइजेशन होके 1.3 एल्कीन बन जाएगी। क्या बनेगी यहां पर, 1.3 एल्कीन बन जाएगी। 1.3 एल्कीन बनना हीट होने पर हो सकता है अगर 1.4 एल्कीन आपके पास हो। एंड द रीजन इज यार ये जो एल्कीन है ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, यहां पर आप देख सकते हो 1.3 एल्कीन जो होती हैं उनमें रेजोनेंस हो सकता है। तो ये अपने पास रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन के लिए कहीं ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा एज कंपेयर टू दिस। तो कभी भी आपके पास हॉफमैन एल्कीन का आप बनवा रहे हो है ना, और उसमें 1.4 एल्कीन बनवा दी और उसको हीट करवा दिया तो आपके पास आइसोमराइजेशन से 1.3 एल्कीन भी बन सकती है। एक जनरल हाइड्रोकार्बन की आपकी नॉलेज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास कॉन्जुगेटेड है। चलिए यहां पर बताइए बच्चों, यहां पर आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर आपको दे रखा है ये हॉफमैन एल्कीन बनवाने के लिए क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट है, बेस है आपके पास, और अब आपको बोला जा रहा है कि यार यहां पर जो है हीट करके मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ठीक है, यहां पर हीट करके आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, जल्दी से बताइए। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। Yes. तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, उन ग्रुप्स में अगर देखा जाए तो अपने पास सबसे बेस्ट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इथाइल के साथ क्रिएट हो जाएगी रेदर देन एनी अदर ग्रुप प्रेजेंट हियर। बाकी सारे ग्रुप्स के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा रहेगा, यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर स्टेरिक स्ट्रेन सबसे कम हो जाएगा, तो अगेन आपके पास इथीन जो है वो आपको एक मेजर प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गए बच्चों हमारे पास हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन की बात। अब हम यहां पर बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू अमीन्स, अमीन्स से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं हम। इसमें सबसे पहला टेस्ट जो आता है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल आता है। आप देख सकते हो यार ये जो हॉफमैन साइंटिस्ट थे इन्होंने नाइट्रोजन वाले चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन हमें दी हुई है। हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी हमारे पास हो जाता है, हॉफमैन एलिमिनेशन भी हो जाता है, एंड हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी हमारे पास हो जाती है, ठीक है। तो अपने को यहां पर ये चीज याद रखनी है। सो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल जो हमारे पास रिएक्शन होती है बच्चों, ये एक टेस्ट होता है 1 डिग्री अमीन्स का, ठीक है। ये अपने पास क्या है, 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट होता है, ठीक है। अरे यहां पर पिछले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, अरे पिछला क्वेश्चन तो इतना आसान है। अरे यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर यह दिया हुआ है
एमई नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप एथाइल ग्रुप एंड एन ब्यूटाइल ग्रुप। यहां पर आपसे पूछा है कि यार एलिमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने आपको बता रखा है कि भाई आपके पास स्टेरिक स्ट्रेन सबसे कम होना चाहिए, सबसे छोटी पॉसिबल एल्कीन बननी चाहिए। यहां पर अगर देखा जाए कहां पर आपको सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी फॉर योर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वो आपके पास इस केस में मिल जाएगी। यहां पर आप देखोगे ये वाले कार्बन पे कोई ज्यादा ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, है ना, इस वाले कार्बन पे भी आपके पास हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है, लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे भी आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इससे आपके पास सबसे छोटा वो मिलेगा, ठीक है, आई थिंक समझ में आना जाना चाहिए। अपने पास एल्कीन जो है वो इस केस में आपको यहां से मिल जाएगा, सबसे स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्रिएट होगी, मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट फॉर ई टू एलिमिनेशन। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास, जैसा मैं आपको बता रहा था, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या होती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन? RnH2CS2HgCl2, ठीक है, इनको डाल के जब हीट किया जाता है तो हमारे पास यहां पर R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S इस तरह का कंपाउंड अपने पास क्रिएट होता है, ठीक है, ये इसको कहते हैं हम यहां पर हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल जो है यहां पर, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल वो वर्ड यूज करा जा रहा है। क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज ये जो अपने पास कंपाउंड बनता है ना, दिस कंपाउंड इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल की स्मेल सबको पता होगी, ठीक है, घर के अंदर है ना होता है, किचन में कहीं ना कहीं मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, सरसों का तेल, तो सरसों तेल की जैसी स्मेल होती है वैसे इस कंपाउंड की अपने पास स्मेल मिलने लग जाती है। अगर हम किसी प्राइमरी अमीन पे CS2 और HgCl2 डाल के हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहां पर? मस्टर्ड ऑयल जैसी अगर स्मेल मिल रही है तो हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है, वो प्राइमरी अमीन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये रिएक्शन के अंदर अगर हम स्टेप्स देखते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स में हमारे पास एक इंटरमीडिएट आता है, उस इंटरमीडिएट को भी हम यहां पर याद कर लेते हैं। क्या स्टेप्स आता है, क्या इंटरमीडिएट आता है यहां पर? तो अगर हम इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो यहां पर बच्चों जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वो ये होता है कि अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है तो वो ये जो होता है CS2, ठीक है, इस पे अटैक कर सकती है इस तरीके से, है ना, आप देख सकते हो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस तरीके से यहां पर अटैक हो सकता है, एंड दिस गिव्स अस आर एन एच सी डबल बॉन्ड एस एस माइनस, ठीक है, ये हमें यहां पर मिलता है, एंड यहां पर आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होके अपने पास ये कंपाउंड अपने को मिलता है, ठीक है, ये कंपाउंड हमें यहां पर मिलता है, ये एक इंटरमीडिएट हमारे पास पहले प्रोड्यूस होता है, इसको अब हम HgCl2 से जब रिएक्ट कराते हैं, इसको जब हम HgCl2 से रिएक्ट कराते हैं तो HgCl2 से रिएक्ट कराने पर Hg यहां का एक सल्फर लेके निकल जाता है, HgS बना लेता है, और जो यहां पर नाइट्रोजन कार्बन और डबल बॉन्ड S है ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है जी, ये अपने पास यहां पर इस रिएक्शन के बेसिक इंटरमीडिएट्स है ना और स्टेप्स हैं जो कि हमें यहां पर याद होने चाहिए, ठीक है जी, यस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बच्चों रिएक्शन जो है वो है अगेन 1 डिग्री अमीन्स का टेस्ट, विच इज योर कार्बाइल अमीन रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन्स अगर हमारे पास होते हैं, इनको बच्चों हम CHCl3 और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें काफी गंदी स्मेल वाला कंपाउंड मिलता है आइसोसाइनाइड, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। आइसोसाइनाइड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, वेरी बैड स्मेल, और ऐसी स्मेल होती है, ठीक है, जो मीलों तक फैल जाती है,
और अगर ये किसी लैब में बन जाता था पहले तो उसको खाली करना पड़ता था 3-4 दिन तक, ताकि स्मेल जो है वो निकल सके, वहां पर कोई खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसी गंदी स्मेल आइसोसाइनाइड्स की होती है और इसलिए इनको जो है स्टडी भी नहीं कर पाते ज्यादा। ठीक है, आइसोसाइनाइड की आप देखोगे कोई ज्यादा रिएक्शंस आपको मिलेंगे नहीं, तो बहुत ही गंदी स्मेल आपके पास यहां पर जो है इसकी होती है आइसोसाइनाइड की। और ये हमारे पास क्रिएट अगर हो गया, बहुत ही गंदी स्मेल हमारे पास आ रही है, ऑब्वियसली लैब में तो ये रिएक्शन नहीं कराई जाएगी। थ्योरिटिकली आपको लिख के दे सकते हैं, है ना, थ्योरिटिकली आपको लिख के दे सकते हैं कि यार यहां पर थ्योरिटिकली आपके पास ये जो है आइसोसाइनाइड बन रहा है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड बन रहा है, तो ओरिजिनल हमारे पास कंपाउंड जो है वो प्राइमरी अमीन होना चाहिए। ये चीज सेकेंडरी अमीन या 3 डिग्री अमीन के साथ नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंडरी या 3 डिग्री अमीन के साथ हमारे पास नहीं हो सकती, सिर्फ प्राइमरी अमीन के साथ हमारे पास हो सकती है। तो यहां पर जो आपका मैकेनिज्म होता है इसके अंदर बच्चों क्या रहता है, जैसा कि आप जानते हो CHCl3 और KOH, ये रिएजेंट हमने पहले भी यूज कर रखा है। अगर आपको याद हो ये बच्चों हमने रीमर टीमन फॉर्मुलेशन के अंदर यूज कर रखा है, और रीमर टीमन फॉर्मुलेशन जो रिएक्शन होती है उसमें भी क्या होता है कि जो CHCl3 होता है KOH के साथ रिएक्ट करके आपके पास CCl2 कार्बीन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ये कार्बीन इलेक्ट्रोफिलिक होती है, ये भी हमने रीमर टीमन फॉर्मुलेशन के टाइम पे देखा था। और ये जो अपने पास अमीन प्रेजेंट होता है वो उसके लिए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसका मतलब जो अपने पास प्राइमरी अमीन होता है यहां पर NH, ठीक है, वो यहां पर CCl2 के साथ रिएक्ट करता है एंड दिस गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस RN ट्रिपल बॉन्ड C+HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने CHCl3 और KOH के साथ जो रिएक्शन होती है वो रीमर टीमन फॉर्मुलेशन में देखी है, और बिल्कुल उसी तरह के स्टेप्स बट एक डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हमें यहां पर जो है इस रिएक्शन में भी देखने को मिल रहा है। इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट बोला जाता है बिकॉज ये जो कंपाउंड है दिस इज योर कार्बाइल अमीन। ठीक है, आइसोसाइनाइड भी बोला जाता है, दिस ऑल्सो कॉल्ड योर कार्बाइल अमीन, है ना, कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनाइड, ये हमारे पास यहां पर प्रिपेयर होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बच्चों हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है ये आपके पास एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह का है जैसे आपको याद हो कि हम जब एल्कोहल्स की बात करते हैं तो एल्कोहल्स के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स हैं, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ल्यूकास टेस्ट या विक्टर मेयर टेस्ट का यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे पास यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स हैं, इनको मुझे डिस्टिंग्विश करना है, इसके लिए हम हिंसबर्ग टेस्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर, हिंसबर्ग टेस्ट में हम हिंसबर्ग रिएजेंट का काम में हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों हमारे पास इस तरह का कंपाउंड होता है, दिस इज आवर हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इसका अगर नाम देखा जाए तो इसको जनरल नाम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अमीन्स के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो आप देख सकते हो यहां पर आपके पास क्या है, ये एस डबल बॉन्ड ओ सी एल इस टाइप का कंपाउंड है। हमने पढ़ रखा है कि यार सीएल बच्चों बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, और जिस तरीके से आपके पास एसाइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, एसाइल हैलाइड अमीन्स के साथ जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास यहां पर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, यस, तो अगर आप देखेंगे हमारे पास अगर सपोज 1 डिग्री अमीन है ना, 1 डिग्री अमीन हमने ली, इसका मतलब हमने RNH2 लिया और इसके साथ हमने ये रखा है। ठीक है, क्या होगा हमारे पास,
SN2 TH टाइप का मैकेनिज्म होगा, SN2 TH टाइप का मैकेनिज्म जो कि हम एसिड हैलाइड्स के अंदर देखते हैं, बिल्कुल वैसे मैकेनिज्म होगा। उस मैकेनिज्म के अंदर यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इस सल्फर पर अटैक करके Cl को निकाल देगा एंड दिस गिव्स यू व्हाट, दिस गिव्स यू आर एन एच एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड पीएच। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पर इस नाइट्रोजन पे प्राइमरी या वन डिग्री अमीन है तो दो हाइड्रोजन हैं। यहां पर ये जो दो हाइड्रोजन हैं, इनमें से एक हाइड्रोजन आपका निकल के यहां पर एच सी एल ये रिएजेंट दे देगा और बाकी जो अपने पास एक हाइड्रोजन है वो अभी यहां पर लगा हुआ है, वो अपने पास अभी भी लगा हुआ है। ठीक है जी, ये अपने पास क्या है, अभी भी यहां पर लगा रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हिंसबर्ग टेस्ट का ये आता है कि अगर आपके पास वन डिग्री अमीन है और वन डिग्री अमीन के साथ आपने जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रखा, इसके बाद आपने बेस डाला, यहां इसके बाद आपने क्या डाला, बेस डाला। ठीक है, तो बेस डालने पर क्या होगा, अगर आपने यहां पर क्या डाला, बेस डाला, तो बेस डालने में क्या होगा, तो यहां पर बचो ये वाला नाइट्रोजन पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एस डबल बॉन्डो जो कि एक माइनस एम ग्रुप का काम करता है। ठीक है, जो कि किसका काम करता है, यहां पर माइनस एम ग्रुप का काम करता है, ये आपके पास क्या है, एक माइनस एम ग्रुप हो गया। इस माइनस एम ग्रुप के लगे होने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, ये अपने पास क्या है, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो कॉन्जुगेट अपने पास क्रिएट होगा वो कॉन्जुगेट स्टेबल होगा एंड दैट्स व्हाई अगर हम बच्चों यहां पर OH- की प्रेजेंस में इसको रखते हैं तो होता क्या है, ये एक सॉल्ट हमारे पास क्रिएट कर लेता है। ठीक है, क्या क्रिएट कर लेता है, हमारे पास एक सॉल्ट क्रिएट कर लेता है जिसका एनायन ये है और सपोज हमारे पास जो बेस था वो बेस हम NaOH लेके चल रहे हैं। ठीक है, सपोज हम यहां पर NaOH लेके चल रहे हैं तो ये वाला OH- इस हाइड्रोजन के साथ तो H2O दे देगा और जो Na+ है वो आपका यहां पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा अपने पास, एक सॉल्ट यहां पर मिल जाएगा और सॉल्ट की अपने पास इंटरेस्टिंग खास बात क्या है, सॉल्ट की अपने पास यही बात है क्या, ये जो होता है ना, ये जो होता है पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, दिस इज योर वाटर सॉल्युबल। तो ये हमारे पास पूरा जो मैकेनिज्म है और अपने पास स्टेप्स हैं वो अपने समझे कि अगर अपने पास वन डिग्री अमीन है और वन डिग्री अमीन को हमें हिंसबर्ग टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि यार वन डिग्री अमीन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है अपने पास सॉल्यूशन में, तो हम उसमें क्या डालेंगे, पहले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालेंगे, उसके बाद अपने पास एक्वस बेस डालेंगे। एक्वस बेस का मतलब यहां पर ये जो OH- है, ठीक है, इसके साथ पानी होना चाहिए, डायल्यूट आपके पास बेस होना चाहिए, उसको डालेंगे। अगर आपने डायल्यूट बेस डाला और यहां पर जो आपका कंपाउंड है वो पानी में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, पानी में डिसॉल्व हो गया, तो हम बोलेंगे कि यार वहां पर वन डिग्री अमीन होनी चाहिए बिकॉज ये जो ओरिजिनल कंपाउंड है इसमें सिर्फ वन डिग्री अमीन ही ऐसे होते हैं जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो एसिडिक हाइड्रोजन से सिर्फ वन डिग्री अमीन ही आपके पास रिएक्ट करके ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड दे सकती है। अगर यहां पर टू डिग्री अमीन है तो क्या होगा, अगर हमारे पास बच्चों यहां पर टू डिग्री अमीन है, ठीक है, उस केस में अपने पास क्या होना चाहिए, जैसे सपोज अपने पास आर एन एच आर, इसको हमने रिएक्ट कराया अपने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब जब यहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन होगी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की, तो आप देख सकते हो कि यार जो अपने पास कंपाउंड है, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड क्रिएट होगा, मैकेनिज्म वही रहेगा अपने पास, मैकेनिज्म एसएन2 टीएच टाइप का मैकेनिज्म ही रहेगा, बट अपने पास अब जो अपने पास प्रोडक्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहां पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये वाला जो कंपाउंड है आपका है ना OH- या NaOH H2O से कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ये सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये OH- H2O में इनसॉल्युबल रहेगा, इनसॉल्युबल इन एक्वस लेयर।
ठीक है। और अगर हम 3 degree अमीन्स की बात करते हैं तो 3 degree अमीन्स के अंदर तो हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी कि 3 degree अमीन्स हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन है ना नहीं दे पाएंगी, बिकॉज यार यहां पर ऑलरेडी नाइट्रोजन पे 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं, नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर ये यहां पर अटैक करता भी है तो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं देगा। And that's why यहां पर आपके पास हम नो रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम नो रिएक्शन लिख सकते हैं, यार यहां पर आपकी रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। सो यहां पर ये पूरा टेस्ट अगर देखा जाए अपने पास कैसे हेल्प करेगा हमें टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree अमीन्स। 1 degree अमीन्स जब हम यूज करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ और उसके ऊपर डालेंगे बच्चों हम बेस डिसॉल्वड इन वाटर, तो जो भी अपने पास यहां पर सॉल्ट बना है वो पानी में आ जाएगा। एज ओपोज टू दैट अगर हमारे पास एक 2 degree अमीन है, 2 degree अमीन जो है वहां पर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, बट अगर हम वहां पर पानी डालेंगे, बेसिक पानी डालेंगे, तो वो पानी में इनसॉल्युबल रहेगा। एंड अगर हम इसमें बात करेंगे तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो इसके लिए हमें अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि देखो अगर तुम यहां पर ये टेस्ट कराना चाहते हो तो जो भी तुम्हारे पास अमीन होनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसी अमीन होनी चाहिए जो ऑलरेडी पानी में सॉल्युबल ना हो। ऐसी अमीन हमारे पास होनी चाहिए जो कि क्या है, जो पानी में इनसॉल्युबल हो। अदरवाइज अगर वो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है, सपोज 3 degree अमीन है और वो पानी में सॉल्युबल है, तो फिर हमारे पास रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो वैसा ही टेस्ट दे देगी जैसा अपने को क्या दे रहा था, 1 degree अमीन दे रहा था। तो अमीन हमारे पास यहां पर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस टेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल अमीन्स, है ना, हमें ध्यान रखना है कि यार ये टेस्ट ऐसा है जो हर अमीन पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये मेनली वहां पर अप्लाई होता है जहां पर आपके पास एप्लीकेबल टू अमीन्स इनसॉल्युबल इन वॉटर, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वॉटर रहेगा ओरिजिनल अमीन, तो ये हमें कराएंगे ताकि अपने को क्लियर रिजल्ट मिल सके, ठीक है, कि सिर्फ 1 degree अमीन जो है जो पहले इनसॉल्युबल थी वो इस रिएक्शन में सॉल्ट बनाने के बाद सॉल्युबल हो जाएगी, है ना, सॉल्ट बनाने के बाद अपने पास यहां पर सॉल्युबल होगी, ये अपने को देखना है। सो दिस टेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू ऑल अमीन्स, एप्लीकेबल टू अमीन्स इनसॉल्युबल इन वॉटर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, यस। विच अमीन्स आर सॉल्युबल इन वॉटर, सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं अमीन्स की, तो सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास अमीन्स को डिजोल्व कर सकता है, बट वो कब होगा, जब आपके पास कार्बन चेन जो है वो 4 या 5 कार्बन तक की रहे, अगर 4 या 5 कार्बन से बड़ी आपके पास चेन है तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी इन वॉटर जो है जैसे एल्कोहल्स की डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अमीन्स की हमारे पास है ना, अमीन्स भी अपने पास क्या होते हैं, जनरली पानी में सॉल्युबल नहीं होते, छोटे बिल्कुल अमीन जो हैं मिथेनामाइन एक्सेट्रा फिर भी हो सकते हैं, बट बड़े अपने पास अमीन जो हैं वो जनरली सॉल्युबल नहीं मिलते, ठीक है, यस। थ्री डिग्री अमीन तो रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा तो हमें पानी में डालने से पहले नहीं पता लग जाएगा, इसका मतलब देखो यहां पर सारे ही अमीन जो है वो पानी में इनसॉल्युबल रहेंगे, अगर हम इनको डिसॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अमीन है अपने पास, ठीक है, अमीन को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, अमीन हमें ऐसा लेना पड़ेगा विच इज व्हाट, अमीन डिसॉल्वड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्वड अमीन हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है, ऑलरेडी वो पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए और फिर हम ये वाली रिएक्शन कराएंगे, यस। चलिए तो यहां पर है ना अगर हम देखते हैं जैसे ये हमारे पास, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिंसबर्ग टेस्ट, इट इज एप्लीकेबल टू,
यहां पर अपने को नॉन ट्रू बताना है, ठीक है, इसमें से कौन सा आपके पास जो है वो सही नहीं है ना। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल अमीन्स, क्या ये हर अमीन पे अपने पास एप्लीकेबल है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, फॉल्स है, हर अमीन पे अपने पास यहां पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। वाई थ्री डिग्री नो रिएक्शन, मैंने दिखाया तो सही तुम्हें, रिएक्शन होने के लिए नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ताकि अपने पास HCl निकल सके, अगर HCl नहीं निकल रहा तो अपने पास रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है जी। है ना, तो व्हाट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल अमीन्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लिक्विड अमीन्स सॉल्यूबल इन वॉटर, ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये मल्टीपल आंसर करेक्ट है, ये हर अमीन्स पे एप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड अमीन जो कि पानी में सॉल्यूबल है उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है, लिक्विड अमीन इनसॉल्यूबल इन वॉटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये अपने पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ये अपने पास ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसी लिक्विड अमीन जो हैं, जो कि अपने पास क्या हो जाएं, जो कि अपने पास पानी के अंदर सॉल्यूबल हो जाए, इनसॉल्यूबल रहे, उन पे हिंस वर्क टेस्ट हम लगा सकते हैं। सॉलिड अमीन्स इनसॉल्यूबल इन वॉटर, या फिर हम बोल सकते हैं सॉलिड अमीन्स इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब होता क्या है, आपको पता ही है बच्चों कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हमारे पास, अगर उनमें कार्बन की चेन बहुत ही बड़ी हो जाए, जैसे कि अपने पास 20 कार्बन 30 कार्बन की चेन हो जाए, तो फिर वहां पर भी प्रॉब्लम आती है, वो अपने को सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे और वो आपके पास आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। जो अपने पास बहुत ज्यादा बल्कि अमीन्स होते हैं वो भी क्या होंगे, अपने पास डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जो हमारे पास यहां पर ऐसे अमीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे जो अपने पास अमीन्स हैं, इनकी अगर बात करी जाए, ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास यहां पर वो नहीं होगा। तो अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो बच्चों ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है अपने पास, और डी भी फॉल्स है। यहां पर अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी आपके पास ये पानी में इनसॉल्युबल है तो आपके पास नहीं हो पाएगा। सॉलिड बोलने का मतलब है कि यार वो इतनी बड़ी कार्बन की चेयर है कि आप उसको जो है लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आ पा रहे हो, सोल्यूशन फॉर्म में भी नहीं लेके आ पा रहे, ठीक है। यस, चल यहां पर क्या हो गया, अरे ये अपने पास CH3 Twice, CNH2 ये है, ठीक है, और ये अपने पास C वाला कंपाउंड है। So, यहां पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक देखो अपने पास कंपाउंड है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और वो जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है इसका फॉर्मूला है आपके पास C3H9N। अब यहां पर आपको बोला गया है कि ये प्रेसिपिटेट बनाता है पी टोसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका यहां पर कंपाउंड जो है वो कौन सा हो सकता है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमने एक अमीन को लिया, उसका फॉर्मूला आपके पास है, उसको हमने रिएक्ट कराया पैरा टोसाइल क्लोराइड के साथ, सो वहां पर अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रहे तो वो आपका प्रेसिपिटेट दे रहा है, ठीक है, वो आपका प्रेसिपिटेट दे रहा है। तब आप बताइए कि यार इनमें से कौन सा अमीन हमारे पास पॉसिबल है ना, इनमें से कौन सा अमीन हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो अमीन है बच्चों, सपोज अपने पास यहां पर आर एन कुछ है, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया
टोसाइल क्लोराइड के साथ। अब टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो सबको पता है ना, ये होता है, ठीक है, दिस इज योर टोसाइल क्लोराइड। आपको दिख रहा होगा ये टोसाइल क्लोराइड बिल्कुल इसके जैसा है, हिंसबर्ग रिएजेंट जैसा है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जैसा है। तो अमीन की इसके साथ रिएक्शन अगर होगी तो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ होगी, है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर कार्बन है, बस उस कार्बन से कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, इसकी रिएक्टिविटी वही रहेगी। SN2TH मैकेनिज्म आपका हो सकता है अगर प्राइमरी और 2° अमीन है। तो सपोज यहां पर ये रिएक्शन हमारे पास हो रही है, ठीक है, हमें बोल रखा है कि यार यहां पे एक प्रेसिपिटेट बना है। अब अगर एक प्रेसिपिटेट हमारे पास क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है। प्रेसिपिटेट अगर हो रहा है तो अपने पास रिएक्शन हो रही है। अगर रिएक्शन यहां पर हो रही है तो रिएक्शन ऐसी ही होगी जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, आर एन एस डबल बॉन्ड ओ बेंजीन एन सी। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये जो है इनसॉल्यूबल है ना, ये अपने पास क्या है, इनसॉल्यूबल है इन हाइड्रोक्साइड इन एक्वस KOH। अगर ये इनसॉल्यूबल है तो ये वाले नाइट्रोजन पे बाकी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो कौन से होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि यार ये रिएक्शन हुई है बट ये इनसॉल्यूबल है तो ये 2° अमीन होनी चाहिए, इजंट इट, ये अपने पास 2° अमीन होनी चाहिए। अगर 3° अमीन होती तो वो कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बनाती, अगर हमारे पास 3° अमीन होती तो वो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाती। 2° अमीन ही हमारे पास यहां पर ऐसी है जो कि क्या कर रही है यहां पर, जो कि यहां पर आपके पास एक्वस KOH के साथ, ठीक है, रिएक्ट करने पर इस कंपाउंड से एक प्रेसिपिटेट जनरेट कर दिया, ठीक है जी, यस। सो यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारे पास क्या है, यहां पर करेक्ट आंसर आपके पास 2° अमीन होना चाहिए, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब यहां पर एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, इस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को हम करेंगे पूरा पूरा, ध्यान से सुनो क्या है। अ मिक्सचर ऑफ टू एरोमेटिक कंपाउंड्स ए एंड बी, दो एरोमेटिक कंपाउंड है ए और बी, है ना, इनको हमने सेपरेट करा बाय डिसॉल्विंग इन क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन विद एक्वस KOH सॉल्यूशन। ए और बी हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, ये साथ में है एक टेस्ट ट्यूब में, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करा, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसका मतलब अलग अलग करने के लिए हमने यहां पर CHCl3 डाला और फिर KOH डाला, ठीक है। तो भाई जो अपने पास ऑर्गेनिक लेयर थी, है ना, ऑर्गेनिक लेयर मतलब जिसमें ए और बी डिसॉल्व थे, द ऑर्गेनिक लेयर कंटेनिंग कंपाउंड ए व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन प्रोड्यूस कंपाउंड सी हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, द एक्वस लेयर व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड देन एसिडिफाइड गेव अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक कंपाउंड टी एंड ई। तो हमें बताना है कि यार यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, अभी अपने कहो सिर्फ ये कॉम्प्रिहेंशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो हमारे पास बच्चों यहां पर ए और बी ये दो कंपाउंड हैं, इनको हमें सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए हमने यहां पर क्या डाला, CHCl3 डाला और फिर हमने यहां पर KOH डाला, ठीक है। हमें बोला जा रहा है कि यार यहां पर जो ऑर्गेनिक लेयर है कंटेनिंग कंपाउंड ए When heated with alcoholic solution of KOH, तो यहां पर A जो है इसको जब हम CHCl3 और KOH के साथ हीट कर रहे हैं तो हमें यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर एक अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है, अनप्लेजेंट ऑर्डर, अनप्लेजेंट ऑर्डर मतलब बैड स्मेलिंग, वो हमें यहां पर कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, जो हमारे पास कंपाउंड बी था, ठीक है, जो अपने पास कंपाउंड बी था वो कहां गया, अपने पास जो कंपाउंड बी था, ठीक है, वो चला गया एक्वस लेयर के अंदर, जो अपने पास कंपाउंड बी था वो अपने पास कहां चला गया, एक्वस लेयर के अंदर चला गया। और यहां पर जो CHCl3QH था, ठीक है, उसके साथ वो भी रिएक्ट करा, CHCl3QH के साथ ये भी रिएक्ट करा, और इसने जो दो कंपाउंड दिए वो है अपने पास डी और ई। डी और ई के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, डी का बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ठीक है,
हायर बॉइलिंग पॉइंट और ई का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने पास लोअर है, इट इज हैविंग अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हमको बताना है यार यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, जो अपने पास कंपाउंड ए था जो कि ऑर्गेनिक लेयर में था, इसका मतलब क्लोरोफॉर्म लेयर में जो था आपके पास, है ना, ए और बी के अंदर अपने में क्या डाला, क्लोरोफॉर्म डाला और एक्वस क्यूएस डाला। क्लोरोफॉर्म अपने पास क्या था, ऑर्गेनिक लेयर थी, उसके अंदर जो चीज डिजॉल्व थी वो क्या होनी चाहिए ये आपको बतानी है। कंपाउंड ए जो कि ऑर्गेनिक लेयर में था अपने पास, वो क्या होना चाहिए, ए ने रिएक्ट करके CHCl3QH से अपने को एक अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड दिया था। जल्दी से बताइए यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो अपने पास ए कंपाउंड होना चाहिए, ए कंपाउंड अपने को पता है बच्चों CHCl3QH से रिएक्ट करने पर बैड स्मेलिंग ऑर्डर हमें कहां पर मिलती है, बैड स्मेलिंग ऑर्डर हमें तब मिलती है जब आइसोसाइनाइड क्रिएट होता है। आइसोसाइनाइड अपने पास यहां पर क्रिएट होना चाहिए और ये वाला जो कंपाउंड है ये पानी में सॉल्युबल नहीं है आसानी से, है ना, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है। अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहां पर इन सारे कंपाउंड्स में से, तो ध्यान से देखो अपने पास C एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है और D एक ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट दे। ठीक है, C अपने पास ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट दे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, ये आपके कौन से दे सकते हैं, ये आपके पास C और D दोनों सकते हैं, दोनों आपके पास प्राइमरी अमीन्स है। तो क्या हमारे पास दोनों यहां पर आंसर है, क्वेश्चन ये सिंगल आंसर करेक्ट है। अब जब सिंगल आंसर करेक्ट आपसे पूछा गया तो आप बेस्ट आंसर यहां पर क्या दोगे। यहां पर अब हमें ध्यान से देखना होगा कि हमें कंपाउंड के बारे में यह भी बोला गया है कि यार वो पानी में सॉल्यूबल ना होके जो आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूबल है। अगर हम कंपेयर करते हैं एनिलिंस वर्सेस नॉर्मल अमीन्स, है ना, ये अपने पास क्या है बच्चों, एक अमीन है और ये अपने पास एक एनिलिन है। अगर हम यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एनिलिंस की पानी में सॉल्युबिलिटी लोअर होती है, लोअर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, और इसकी हायर सॉल्युबिलिटी होती है। रीजन क्या है, रीजन इज अगेन योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, रीजन इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि भाई यहां पर ये जो NH2 है इसका लोन पेयर तो आपके पास यहां पर इसमें इन्वॉल्व रहता है रेजोनेंस में, जबकि इसका लोन पेयर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होता है वाटर के साथ। तो इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी आपको ज्यादा मिलेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम मिलेगी। अगर हमें बोला जा रहा है कि यार ऐसा कंपाउंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक लेयर में ही डिजोल्व हुआ है तो हम लोअर सॉल्युबिलिटी वाला कंपाउंड लेके चलेंगे, विच इज गोइंग टू बी योर सी कंपाउंड। ठीक है, और इससे बनने वाला जो अपने पास यहां पर कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर इसकी, ठीक है, NH2 प्लस CHCl3KOH, ये हमें क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड दे देगा। ठीक है, ये हमें क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड दे देगा। यस, अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो अनप्लेजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड था वो कौन सा हुआ। तो एज यू सजेस्ट, है ना, मतलब एज वी कैन सी यार ये अपने पास क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर अपने पास कंपाउंड बी एक्सट्रैक्टेड इन एक्वस लेयर आपसे पूछा गया है। अब आपसे बोला गया है यार जो अपने पास कंपाउंड बी है वो क्या हो सकता है। बी कंपाउंड वो था जो कि एक्वस लेयर में आया था, इसका मतलब वो ज्यादा आसानी से पानी में सॉल्यूबल था और वो CHCl3QH से रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बना रहा था। वो CHCl3QH से रिएक्ट करके आपके दो प्रोडक्ट बना रहा था। तो जल्दी से बताइए बच्चों इसके अंदर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपको CHCl3QH के साथ दो रिएक्शन दे देगा।
ठीक है, अपने पास यहां पर सिर्फ एक ही कंपाउंड है बी फिनॉल, जो कि CHCl3COOH से रिएक्ट करके दो कंपाउंड अपने को दे सकता है। और क्या आप सोच सकते हो यहां पर क्या दो कंपाउंड हमें मिलेंगे? मैंने आपको बताया था ये रिएक्शन बीच में मैंने रिवाइज भी कराई थी कि भाई फिनॉल CHCl3COOH ठीक है इससे रिएक्ट करके क्या देता है, रीमर टीमन फॉर्मिलेशन रिएक्शन देता है। और रीमर टीमन फॉर्मिलेशन के अंदर अगर हम देखें तो मेजर प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है OHCHO ठीक है, ये अपने पास मेजर मिलता है। और अगर हम माइनर प्रोडक्ट की बात करें तो माइनर प्रोडक्ट अपने को क्या मिल जाता है, माइनर प्रोडक्ट अपने को ये मिल जाता है ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट अपने पास वो होता है, माइनर प्रोडक्ट अपने पास ये होता है, दोनों प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ठीक है। सो अपने पास बी ही ऐसा कंपाउंड है, आप देख सकते हो सी ए नहीं दे सकता, डी ए नहीं दे सकता, ए तो अपने पास रीमर टीमन फॉर्मिलेशन करता ही नहीं है। अब आती है नेक्स्ट बात यह आती है क्या, देखो इनमें से आपको बोला गया है कि एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट है और एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, डी वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ई वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो अब आपको बताना है कि यार इसमें से डी कौन सा वाला होगा। यहां पर बच्चों जो मेजर प्रोडक्ट है वो डी होना चाहिए या जो अपने पास माइनर प्रोडक्ट है वो यहां पर होना चाहिए ठीक है। जल्दी से बताइए इसमें डी कौन सा वाला होगा ठीक है। यस, अगर हम बात करते हैं बच्चों डी की, डी वो वाला है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट यहां पर इस कंपाउंड का हमें ज्यादा मिलेगा ठीक है और इस कंपाउंड का अपने को कम मिलेगा ठीक है। क्यों है? बिकॉज द सेम रीजन जो कि हमने नाइट्रोफिनॉल के अंदर भी पढ़ा है, ये जो अपने पास कंपाउंड है ना, ये जो अपने पास कंपाउंड है अगर इसकी बात करी जाए, मेजर वाले कंपाउंड की, तो मेजर वाले कंपाउंड में बच्चों हमें क्या मिलता है यहां पर, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग मिलती है ठीक है। क्या मिलता है यहां पर, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग हमें यहां पर मिलती है ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग क्या करती है, एज कंपेयर टू ऑपोजिट केस जिसके अंदर क्या है, इंट्रा नहीं है और सिर्फ इंटर है, इसके कंपेरिजन में आपको क्या मिलेगा, यहां पर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, यहां पर कम बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा। अगर हम इन दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग से आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग। यस, दैट्स व्हाई डी वाला जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो अपने पास क्या होना चाहिए, वो अपने पास ये वाला होना चाहिए, और ई वाला अपने पास ये वाला कंपाउंड होना चाहिए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से हमें यहां पर अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये चीज आइडेंटिफाई करनी थी। चलिए, ये आपके पास बच्चों होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है। यहां पर आपके पास अगेन एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके बेसिस पे आपको यहां पर ये आंसर करना है इसमें क्या क्या होगा ठीक है ना। आपके पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम चल रहे हैं यहां पर नाइट्रस एसिड टेस्ट के ऊपर ठीक है। ऑलरेडी हमने यहां पर जो है हिंजबर्ग टेस्ट देख लिया है, हमने यहां पर वन डिग्री अमीन्स का मस्टर्ड ऑयल जो टेस्ट है वो देख लिया है, आइसोसाइनाइड टेस्ट हमने देख लिया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वन डिग्री, टू डिग्री और थ्री डिग्री के बीच में ठीक है। ये भी क्या है, हमारे पास एक टेस्ट है जो कि आपको हेल्प करता है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वन डिग्री, टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अमीन्स। अब नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शन होती है प्राइमरी अमीन्स के साथ वो तो हम बहुत बार देख चुके हैं, ऑलरेडी हम बहुत बार देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक वन डिग्री अमीन होता है, प्राइमरी अमीन होता है बच्चों RNH2, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, HNO2 से, तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें यहां पर ROH प्लस N2 मिल जाता है। ये हमने अल्कोहल चैप्टर में भी देखा है, जब हम डाइजोनियम की रिएक्शन की बात करते हैं तब भी हमने देखा हुआ है कि प्राइमरी अमीन्स HNO2 के साथ ROH देती है, तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, N2 गैस मिलेगी
यही आपका टेस्ट हो गया कि नाइट्रोजन गैस इवोल्यूशन फ्रॉम अ क्लियर सॉल्यूशन। बट अगर हम यहां पर बात करते हैं 2 degree amines की, तो 2 degree amines के अंदर क्या होगा, अगर हम यहां पर इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएं, ठीक है, तो यहां पर बच्चों आपका डाइजोनियम नहीं क्रिएट हो सकता, और डाइजोनियम नहीं क्रिएट होगा तो N2 नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, डाइजोनियम नहीं क्रिएट होगा तो N2 नहीं क्रिएट होगा। यहां पर आपके पास क्या बनता है, एक इनसॉल्युबल ऑयली सब्सटेंस बनता है, विच इज योर N nitrosoamine कैसा दिखता है, N nitrosoamine अपने पास ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऑयली सब्सटेंस होता है। 3 degree amines की बात करें तो 3 degree amines के अंदर तो आपके पास ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है, अगर हम 3 degree amines की बात करें तो HNO2 के साथ क्या कोई रिएक्शन दे सकता है, नहीं दे सकता, HNO2 के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। अब हमें ध्यान रखना होता है कि जो HNO2 होता है वो बच्चों क्या होता है, आपके पास कोल्ड एसिडिक सोल्यूशन होता है, ये क्या है आपके पास एक एसिडिक सोल्यूशन है, तो यहां पर HNO2 के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, सिंपल सा आपको क्या मिल जाएगा, ये जो नाइट्रोजन है इसका एक सॉल्ट मिल जाएगा, कैसा सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, HNO2 के साथ ये कोई रिएक्शन हमारा नहीं दे सकता। सो 1 degree amines के केस में N2 आपके पास रिलीज होता है, 2 degree amines का अगर हम नाइट्रस एसिड टेस्ट कराएं तो हमें ऑयली सब्सटेंस मिलता है, 3 degree amines में हमें यहां पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो मिल जाता है, है ना, तो क्लियर सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है, यहां पर इनसॉल्युबल ऑयल मिलता है, यहां पर आपके पास नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसके साथ क्लियर सॉल्यूशन जो है वो मिलता है, ये अपने पास क्या हो गया, वापस से टेस्ट हो गए, यस। सो ये हमारे क्या है, नाइट्रस एसिड टेस्ट हो गया, एंड यहां पर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अमीन्स से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस की बात करें, यही रिएक्शंस आपको ऐसे भी लिख के दी जा सकती हैं क्वेश्चंस में, या फिर इनको टेस्ट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से आपको ये रिएक्शन दी जा सकती है, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस में भी दिखाया, ठीक है, और इसी तरह के आपके लेक्चर बच्चों इन टाइमिंग्स पे होते रहते हैं। आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी जी, जिससे आपको अपडेट्स आते रहेंगे इसके, और साथ ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आके आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है, और लाइव क्लास एनवायरनमेंट में पढ़ के आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप और ज्यादा अच्छी तरह क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज्यादा टाइम मिलता है एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करने को, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से भी मिलते हैं, रेगुलर टेस्ट भी आपको मिलते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अनुपम या अनुपम लाइव, ताकि आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल सके और मुझे भी पता लगे कि आपको ये सारे लेक्चर जो हैं वो कितने हेल्पफुल रहे, ठीक है, यस। सो यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन पढ़ाता है सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे, तो आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कोटा की टॉप फैकल्टीज, वाइब्रेंट क्लासेस, न्यूक्लियस, जितने भी आपने नाम सुने हैं फेमस कोटा की फैकल्टीज के, वो सब यहाँ पर हैं। अनअकैडमी जेई की टीम के साथ साथ यहाँ पर आपके टॉप ऑथर्स भी हैं, जिनके बुक्स भी लाखों बच्चे जो है रेफर करते हैं फॉर IIT जेई, तो ये सभी यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, और आपके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है कि आप किन टीचर से पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपका कोई बैच का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको एक ही बैच में फिक्स कर दिया जाए, आपको यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम मिलता है, आप जिन टीचर से यहाँ पर पढ़ना चाहे उनसे पढ़ सकते हैं। यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी की ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करके आपको यहां पर जाना है बच्चों प्लस सेक्शन के ऊपर। प्लस सेक्शन में आपके पास ऑप्शन मिल जाता है 1 से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप यहां पर ले सकते हैं, जिसमें आपका पूरा पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड जब भी आप यहां पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स यहां पर मिल जाते हैं, आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं बेस्ट टीचर्स के साथ, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव टेस्ट जो है वो अटेंड कर सकते हैं। यहां पर बच्चों एक आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, उसके बारे में बता देता हूं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटर्स भी असाइन किए जाते हैं, ऐसे मेंटर्स जो कि आपको कंटिन्यूसली गाइड करते हैं आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्या लूप होल्स हैं, क्या आपकी जो है वो हैं गलतियां हैं उसको कैसे सुधारा जाए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन में अपना बेस्ट रिजल्ट लेके आ सकते हो, ऐसी आपको पर्सनल मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अल्टीमेटली रैंक इज एवरीथिंग, और रैंक लाने के लिए आप जितना सपोर्ट सिस्टम का यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का, वो आपको बेस्ट रैंक अपना दिलवाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर,
एंड अगेन यू कैन यूज दिस कोड अनुपम लाइव या अनुपम फॉर योर सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट। एंड मुझे भी खुशी होती है अगर आप ये वाला कोड लगाते हो तो मुझे ही पता लगता है कि यार आपको ये क्लासेस कितनी हेल्पफुल रही। 30th अक्टूबर को बच्चों एक यहाँ पर स्ट्रैटेजी सेशन और काउंसलिंग सेशन है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। एंड साथ ही आप जो है यहाँ पर ज्यादा टेस्ट देना चाहते हैं तो एक टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर रन हो रही है, इस टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अनअकैडमी की ऐप पे एनरोल करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे तो आपके पास यहाँ पर कुछ और अभी ऑफर भी चल रहे हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप 6 मंथ का ले रहे हैं तो 1 मंथ एंड 18 मंथ का ले रहे हैं 3 मंथ, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नए बैचेस बच्चों आपके पास ये वाले हैं और ये आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। आस्क अ डाउट सेशन, आस्क अ डाउट फीचर भी आपके पास अवेलेबल है अनअकैडमी पे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं क्वेश्चंस में तो क्वेश्चंस के डाउट आप फोटो के फॉर्म में अपलोड करके पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर कर लेना, बिकॉज ये सारे जो है आपके पास सारे लेक्चर्स वो तो आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और इन सभी को आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यहां से मिल जाए और अपनी तरीके से आप यहां पर जो है प्रैक्टिस करके पूरी तैयारी फिनिश कर सकें। चलिए, बाय एवरीवन।